हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमजेड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी 5i का अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, ये रहा हमारे पास रियलमी 5i ग्रीन कलर में। दोस्तों यहाँ पर ये फोन हमारे पास, दोस्तों ये फोन ब्लू कलर में भी आता है। तो चलिए दोस्तों, इसे ओपन कर लेते हैं हम। दोस्तों ओपन करते के साथ में ही यहाँ पर हमें एक सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू रियलमी फैमिली, रियलमी की एडवर्टाइज की हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस बॉक्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पेपर वर्क है, हम इसे साइड में कर देते हैं और यहाँ पर आ जाता है हमारा फोन। दोस्तों अब हम इसकी पैकिंग को हटा देते हैं। दोस्तों काफी बढ़िया लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर फोन में आपको बता दूं, दिखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है ग्रीन कलर में यहाँ पर दोस्तों फोन हमारा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसे साइड में रख देते हैं और दोस्तों दूसरे बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक चार्जर देखने को मिल जाता है, एडेप्टर देखने को मिल जाता है जो कि 10 वॉट का रहता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक यूएसबी केबल देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं ये टाइप सी है या फिर नॉर्मल वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल यूएसबी केबल देखने को मिल जाती है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे फोन का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीन हमें देखने को मिलती है इस फोन में, आईपीएस डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर 6.5 इंचेस की एचडी प्लस वाली डिस्प्ले। दोस्तों यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। और इस पर हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। कंपनी ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास मिलता है, 5, 4 कौन सा वाला, लेकिन ऐसा जरूर कहा है कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी हमें इस फोन में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इस फोन के कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बैक में हमें क्वाड कैमरा देखने को मिलता है 12+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है इस फोन में। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इस फोन की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों काफी बढ़िया, काफी लॉन्ग लास्टिंग 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इस फोन में। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 9 पर बेस है दोस्तों यहाँ ये हमारा फोन, यानी कि एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस है दोस्तों यहाँ हमारा फोन। तो दोस्तों हमें इस फोन में दूसरे भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है बैक में दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट कर दिया और फेस अनलॉक भी सेट कर दिया है। तो मैं आपको इसका स्पीड बता देता हूँ क्या रिजल्ट रहता है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फोन ऑफ कर दिया, तो मैं यहाँ पर आपको लगा फिंगर सेट करके बताऊंगा कि दोस्तों कितना फास्ट हमारा फोन यहाँ पर रिएक्ट करता है। तो आप देख सकते होगे काफी फास्ट खुल जा रहा है यहाँ पर हमारा फोन दोस्तों, और काफी बढ़िया स्पीड है। आप देख सकते होगे यहाँ पर काफी बढ़िया स्पीड से खुल जा रहा है हमारा फोन। अब मैं आपको फेस अनलॉक भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारा फोन है, अब मैंने यहाँ पर स्विच पावर ऑन ऑफ स्विच से स्विच सिर्फ क्लिक किया और यहाँ पर दोस्तों सीधा हमें अंदर ले आता है। यहाँ पर काफी फास्ट है दोस्तों फेस अनलॉक, आप देख सकते होगे इस फोन में। तो दोस्तों दोनों ही चीज काफी बढ़िया है, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो बैक में देखने को मिल जाता है वो भी काफी फास्ट है, और फेस अनलॉक भी दोस्तों इस फोन में काफी फास्ट है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों बैक में आप देख सकते होगे यहाँ पर हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, काफी बढ़िया बॉडी देखने को मिलती है, शाइनी और ग्लॉसी बॉडी देखने को मिलती है, काफी बढ़िया डिजाइन है दोस्तों यहाँ पर बैक में हमारे इस फोन में। और दोस्तों यहाँ पर बैक में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, रियलमी का यहाँ पर लिखा हुआ है रियलमी दोस्तों यहाँ पर एड की हुई है रियलमी की। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर हमें पावर ऑन ऑफ की देखने को मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो दोस्तों पूरा प्लेन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखते हैं
तो सिम कार्ड ट्रे वॉल्यूम कीज देखने को मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा सिम कार्ड ट्रे डेडिकेटेड है या हाइब्रिड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिम कार्ड ट्रे में आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमें डेडिकेटेड सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाती है, यानी कि हम दो सिम कार्ड और साथ में एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और फोन की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इस फोन के नीचे की ओर बता देता हूँ क्या क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों हमें यहाँ पर। दोस्तों 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और दोस्तों यहाँ पर स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाती है, माइक भी देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर हमें इस फोन में। तो दोस्तों अगर आपको ये फोन परचेज करना है रियलमी 5i तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। दोस्तों इस फोन का हमने स्लो मोशन वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आपको दोस्तों उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।